नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, चेयरमैन जयपुर डायलॉग। आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि संजय जी को बुलाया जाए, तो चलिए आज संजय जी भी आज साथ हैं। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। उनसे समझने का अंदाज कुछ और होगा, जैसे आमतौर पे जो हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट आते हैं उनसे। लेकिन बहुत बारीकी से तमाम चीजों का विश्लेषण करते रहे हैं। सर नमस्कार आपको, प्रणाम आपको। नमस्ते नमस्ते मनीष जी, कैसे हैं आपके आप? सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन मेरा। चलिए सर, सीधे विषय पे आते हैं। दो तीन सब्जेक्ट पे आपसे समझना था, क्योंकि आप एक जी प्रशासनिक जिम्मेदारी लंबे समय तक इस देश में निभाते रहे हैं अलग अलग जगहों पे। सर पूरी अभी हम जो थोड़ा सा समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग बड़ी डिमांड ये कर रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया हुआ है, दिल्ली में सब कुछ है, लेकिन कैमरे पर दिल्ली कुछ नहीं दिख रहा है। कैमरे पर गाजियाबाद दिख रहा है, नोएडा दिख रहा है, दिल्ली दिख नहीं रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तो लगातार दिख रहे हैं कि दिल्ली में हालात गड़बड़ है, लेकिन दिल्ली की हालात गड़बड़ है ऐसा मीडिया दिखा नहीं रहा है। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। वो तो जब कोविड जो था, जब महाराष्ट्र जब उसका एपिसेंटर हम जानते हैं, तो वहाँ तो जो सीएम साहब है वो तो बेस्ट सीएम ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब बेस्ट सीएम ऑफ द वर्ल्ड वहाँ का हो, जहाँ से कोरोना चारों तरफ फैल रहा है भारत में, तो बाकी जगह भी ऐसे लोग जो हैं वो बेस्ट नहीं तो सेकंड बेस्ट तो है ही है। केजरीवाल यदि आजकल बेस्ट नहीं है, वो बेस्ट सीएम का जो खिताब था वो लूज कर चुके हैं उद्धव ठाकरे जी को, आजकल सेकंड बेस्ट हो गए। लेकिन अब वो दौड़ में है क्योंकि अब 25,000 आज आ गया है संख्या, महाराष्ट्र के पूरा का महाराष्ट्र दिल्ली से कम मुझे लगता है 100 गुना बड़ा है। तो बम्बई के मुकाबले अब दिल्ली आगे बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अब ये जितने लोग जो हैं जो इनको तमगा दिल्ली को दे देना चाहिए तुरंत। बेस्ट सीएम शिफ्ट हो गया, बेस्ट सीएम अब महाराष्ट्र से हट के और दिल्ली आ गया। बेस्ट सीएम दिल्ली आ गया है। सर ये बड़ा दिलचस्प ये चीज देखने को मिल रहा है कि जिन जिन राज्यों में कोरोना का कहर ज्यादा है वहां चुनाव है नहीं। चाहे वो महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, इन राज्यों में चुनाव नहीं है। फिर बवाल बंगाल को लेकर के क्यों हो रहा है? इस बात को ऐसा लग रहा है कि बंगाल और चार राज्य में चुनाव हो गए, एकाएक पिछले 4 दिनों से ऐसा लग रहा है कि बंगाल पे बवाल मच रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों, क्या दिख रहा है आपको इसमें? देखिए, इस देश में जो हमारा मीडिया तंत्र है, जिसको अब चैलेंज मिल रहा है हमारे आपके जैसे लोगों से, वो मीडिया तंत्र तो पूरी तरह से अभ्यस्त है कि वो नैरेटिव बिल्डिंग करे। और उसको ये लगता है अभी भी, यानी कि जब हम सोशल मीडिया के युग में आ गए हैं, जब ये एस्टैब्लिश चैनल जो हैं उनसे अधिक व्यूअरशिप हमारे YouTube लो कॉस्ट YouTube चैनल्स की हो गई है, आज भी इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इन्हीं को मिलती है, हमें नहीं मिलती। तो उसके बेस पे इनको ये लगता है कि ये अभी भी नैरेटिव सेट कर सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकते हैं और उस झूठ को जनता सच मानने को बाध्य है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये कपोल कल्पना में जी रहे हैं, इनको वास्तविकता का लगता है, वास्तविकता का कोई अनुभव है नहीं, इसलिए ये इस प्रकार के झूठ लगातार गढ़ते रहते हैं और लगातार इसको चलाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो यही वाली बात है ना, अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो वो वाली बात चल रही है अभी। तो इनकी पुरानी हैबिट्स हैं, अभी धीरे धीरे जाएंगी। ये बंगाल, मगर एक चीज ये समझिए, बंगाल के लिए इतनी बेचैनी क्यों है सर? आपको इसमें बेचैनी जो है कि बंगाल में चुनाव ना हो, बंगाल के चुनाव को आप बंद कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। कल मैं सुन रहा था, पूरा इंटरव्यू तो मैं सुन नहीं पाया अमित शाह जी का, गृह मंत्री का, लेकिन कुछ खंड खंड में जो यूट्यूब पे जो देखने को मिला उसमें ये कि एक सवाल का जवाब उनसे संवाददाता ने किया कि लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं, पीएम क्यों कर रहे हैं, पीएम गंभीरता क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एक चीज बहुत
सधे हुए शब्दों में कहा कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर दूं बंगाल में, ये गृह मंत्री का बयान, आप क्या कह रहे हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं सर, इसे किस रूप में देखा जाए कि क्यों, यदि जो बात गृह मंत्री कर रहे थे, यदि बंगाल में इसका विकल्प तो एक ही है कि या तो चुनाव होगा या चुनाव यदि रोक दिया जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो फिर जिसे मैं खैराती मीडिया कहता हूं लंबे समय से, वो इसे किस रूप में लेंगे, फिर उनका बवाल क्या होगा सर? देखिए आप वही कह रहे हैं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था, मैंने एक ट्वीट किया था जब इस तरह की बात चल रही थी कि सबको एक क्लब कर देना चाहिए, तो मैंने कहा था कि क्लब क्यों कर देना चाहिए, या तो कोरोना है या नहीं है, और यदि कोरोना है तो सबसे अच्छा ये होगा कि चुनाव को निलंबित कर दिया जाए, चुनाव जो है 3 महीने बाद हो जाएगा, 4 महीने बाद हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, लोगों की जान यदि बहुत कीमती है, हम रैलीज नहीं कर सकते और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, तो चुनाव 4 महीने बाद कर लेंगे। तो ममता दीदी को तुरंत रिजाइन करके, उनका टेन्योर समाप्त हो रहा है, रिजाइन करके और राष्ट्रपति शासन लगवा दें, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मैंने कही थी और इस चीज को 4-5 दिन हो गए। तो मुझे लगता है बात गृह मंत्री ने सुनी लगता है आपकी, गृह मंत्री ने सीधा नविका कुमार से कहा, तो क्या आपका विचार क्या है, आप क्या चाह रही हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, यदि कह दें ये लोग तैयार तो राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं बंगाल में हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर्वथा उचित है, यदि जनता के जनजीवन का इनको इतना ही प्रेम है जनता के जनजीवन से, तो इनको सबको तुरंत खड़े होकर, इशारा पूरी लिबरल जमात भी जो हमारी साथ में है, ये आपके जो लुटियंस मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उनको सबको खड़े होकर तुरंत प्रण करना चाहिए कि साहब हम जो हैं वो चुनाव नहीं चाहते, हम कहीं भी चुनाव नहीं चाहते जब तक कोविड चल रहा है, और जहां भी चुनाव ड्यू होंगे अगले 1-2 वर्ष राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्या समस्या क्या है? अब आपको चॉइस करनी है कि भाई लोगों की जान के प्रति आपकी संवेदनशीलता अधिक है या ममता जी के राज्य के प्रति आपकी संवेदनशीलता अधिक है। ये तो नहीं हो सकता कि साहब कि आपको लग रहा हो कि ममता जी की हालत खराब है तब तो तुरंत जो है चुनाव एक फेज में कर दिया जाए या चुनाव मुलतवी कर दिया जाए, नहीं मुलतवी की तो ये बात ही नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं सब एक फेज में कर दिया जाए, क्योंकि एक फेज में करने से हमारे पश्चिम बंगाल का मुझे अनुभव है, मैं रहा हूँ पश्चिम बंगाल में, मैंने कॉलेज पश्चिम बंगाल से किया, कलकत्ते से किया, और उस समय किया जब वामपंथ आया ही आया था, 77 से 81 तक मैं कलकत्ते में था, तो मैंने तो वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो देखा हुआ है कि किस तरह से वामपंथ ने हिंसा को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया था, और ममता दी को लोग इसलिए लाए थे 34 साल के बाद में कि वो उस हिंसा का जो हिंसा की जो संस्कृति थी उससे वो किसी तरह से निजात पा सके, लेकिन हुआ ठीक उल्टा, उन्होंने उस हिंसा की संस्कृति को और 4 गुना बढ़ा के, और एक एक जिसको कहते हैं कि जिस क्षेत्र में जहाँ पे नहीं भी थी वो सब जगह वो पूरी तरह से एक आप जो कहते हैं ना प्रजातंत्र, प्रजातंत्र चिल्लाते रहते हैं लोग, प्रजातंत्र प्रजातंत्र की हत्या हो गई और मोदी प्रजातंत्र को मार रहा है, वो जाके कलकत्ते में और जाके बंगाल में देखें कि प्रजातंत्र की हत्या प्रजातांत्रिक देश में किस तरह से की जा सकती है, ये बंगाल से अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता ममता दी के कार्यकाल में। त्रिपुरा भी एक उदाहरण था लेकिन त्रिपुरा कुछ भी नहीं है ममता दीदी के बंगाल के सामने, ये मैं अपने पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ। मैंने चुनाव कराए हैं, मैंने लालू के शासन में बिहार में भी चुनाव कराए, लेकिन वहां पे भी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितनी यहाँ दिख रही है। वहां पे कोई इक्के दुक्के क्षेत्र थे, जैसे सीवान क्षेत्र हुआ करता था शाहबुद्दीन का, मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा था महाराजगंज क्षेत्र में, जहाँ आपके वो बाहुबली क्या नाम है प्रभुनाथ सिंह हुआ करते थे, उस समय उनके उनके विरुद्ध केवल 29 केस दर्ज थे और 29 केस में से 22 जो थे वो मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर या इस तरह के हीनस केस थे। तो मैंने तो उनके यहाँ भी चुनाव कराए लेकिन वहां भी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितनी बंगाल में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। वहाँ
लोगों के अपने विशेषतर के जब आप पे पुलिस लग जाती थी, क्योंकि सबसे वहाँ ये था कि जो हिंसा की वारदात होती थी, जो कुछ होता था बिहार में उस समय, लालू के राज्य की बात बता रहा हूँ, लालू का जो पीक था, वो चुनाव के पहले और चुनाव के दिन तक ही होता था। यहाँ तो पूरे समय होता है, यानी लोगों में इतना भय, लोगों को इतना भयाक्रांत कर दिया गया था। ये तो भला हो भाजपा के कि उसके आने की कारण लोगों में इतनी हिम्मत हुई कि वो बाहर आके वोट डालने लगे, वरना तो आदमी सोच भी नहीं सकता था। उनके तो सारे कार्ड कलेक्ट कर लिए जाते थे और एक आदमी जाके उनकी प्रॉक्सी वोटिंग कर देता था, और पुलिस और जितना भी था सब अमला जो था वो शांत रहता था उसके बारे में। इस बार जो इन्होंने किया है, जिस प्रकार से जो परिवर्तन किए हैं, वो आपको समझ में आएंगे। आपने रिपोर्टिंग की है ग्राउंड में, या आप इस प्रक्रिया में प्रक्रिया के साथ संबद्ध रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो आपकी समझ में आएगी। क्योंकि इस बार इन्होंने जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है वो ये किया है कि सीआरपीएफ को इन्होंने बूथ के अंदर ले आए। तो सीआरपीएफ बूथ के अंदर लाने से वो जो सारा का सारा इम्पर्सनेशन होता था, बूथ जैमिंग होती थी, वो सब समाप्त हो गई। तो यद्यपि जो आपका दरबारी मीडिया या बिकाऊ मीडिया, वैसे गोदी मीडिया वो जिसको कहते हैं, वो हैं स्वयं गोद में सही बैठे हुए हैं, तो वो जो आपका ये जो बिकाऊ मीडिया है, ये इसको आज तक ये नहीं दिखाई पड़ा, मतलब 34 साल के लेफ्ट के राज में और 10 साल के ममता के राज में इसको ये नहीं दिखाई पड़ा कि जो सर्वहारा वर्ग है वो तो बेचारा वोट ही नहीं डाल सकता। ये तो वोट डालने का अवसर तो इसको अब मिला है, जब वहां पर भाजपा ताल ठोककर इस कीमत पर भी खड़ी हो गई कि 150 से अधिक उसके कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, जिसको कहीं आप बिकाऊ मीडिया में कहीं इसके प्रति आप कोई संवेदनशीलता नहीं देखते। वो सिर्फ ब्रांड पे चल रहे हैं कि भाजपा आएगी तो सांप्रदायिक हो जाएगा। अरे भाई, लोगों की जान बच जाएगी, हो जाने तो सांप्रदायिक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान तो बचेगी, वोट तो दे पाएगा। तो ये जो ब्रांड वाली लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स है कि किसी को दूसरे को ब्रांड कर दो और ब्रांड करके उसको गलत बता दो, वो अब नहीं चलने वाली। वो इसलिए भी नहीं चलने वाली कि अब हमारे आपके जैसे लोग भी यहाँ खड़े हैं ताल ठोंक के, इनको इनके नकाब को हटा के और लोगों को दिखाने के लिए। बिल्कुल सर, ये चीज पे तो मैं, चूंकि मैंने थोड़ा सा, चूंकि आपसे संवाद कभी हुआ नहीं उस ढंग से, मैंने 20 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में बिताया है और नवंबर में पिछले साल लगभग 1.5 साल हो गए मैंने ईटीवी में पॉलिटिकल एडिटर था, और उसके बाद मैंने तय किया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा और मेरी फाइट लगातार इन्हीं खैरातियों से पत्रकारिता में रह करके रही। और आपको मैं बताऊं कि जो मेरा द मनीष ठाकुर शो है, जो चैनल, उस पर स्ट्राइक एक न्यूज चैनल ने लगवाया क्योंकि मैं लगातार पत्रकारों के खिलाफ बोल रहा था। 30 मिनट का एक कोई वीडियो था कि मेरी जानकारी के मुताबिक, मैं सिर्फ उसे इसलिए किसी संदर्भ में दिखा रहा था, मुझे नहीं पता था कि न्यूज चैनल्स भी इस तरह से कर सकते हैं और एक बड़े न्यूज चैनल ने ये मेरे खिलाफ खेल किया। तो मतलब ये कहां तक उन्हें चोट कहां तक पहुंच रही, क्योंकि मेरा मैक्सिमम विश्लेषण इन दरबारी मीडिया, जिसे मैं खैराती मीडिया कहता हूं, उन्हीं के ऊपर होता है अक्सर मेरा विश्लेषण। और आज बहुत चालाकी से जो जो आप कह रहे हैं कि सर सालों तक ये जिन्होंने इस खुद गोदी में जो बैठे रहे, जिस जिन चैनलों का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन से हुआ, जहां पर मंत्रिमंडल जिन चैनलों के न्यूज रूम में तय होते थे, वो आजकल तय करते हैं गोदी मीडिया कहते हैं। और उसका जो एक आध जो पत्रकार है जो अपने आप को भावी कहीं किशनगंज से चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है, उस तरह के पत्रकार विश्लेषण करते हैं, ये परसेप्शन चेंज करते हैं सर। इसीलिए ये इन सब चीजों को समझने की जरूरत है और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जब इसमें आते हैं साथ में तो किशनगंज से कौन लड़ रहा है थोड़ा चुनाव? अभी तक तो मैंने रविश कुमार के ब्रजेश पांडे को ही सुना था, और कोई दूसरा भी आ गया क्या? सा वही है ब्रजेश पांडे, वही कह रहा हूँ, उसी को मैं खैराती पांडे भी कहता हूँ सर। रविश मैंने कल उसको पांडे तो ये लोग
दरअसल इन लोगों के एक फॉलोअर्स बन गए हैं, उन्हें लगता है कि मोदी विरोध के कारण उसे एक मंच मिल चुका हुआ ऐसे ऐसे लोगों को, और एक्चुअली ऐसे लोगों के फॉलोअर्स हो गए हैं, इन्हें लगता है कि इनके फॉलोअर्स इन्हें एक मजबूती प्रदान करते हैं और ये उस लड़ाई में जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए, तो श्वेताब पूछ रहे हैं आपसे कि सर क्या डकवर्थ लुईस की तरह आप क्योंकि क्रिकेट पे बहुत चर्चा करते हैं, क्या पांच चरणों के आधार पे ये तय किया जा सकता है क्या? क्रिकेट पे भी आपको बहुत भारी विश्लेषण होते हैं। तो मोदी मीडिया वालों को ये स्वीकार कर लेना चाहिए ना डकवर्थ लुईस के हिसाब से, बाकी प्रोपोर्शनल जो है वो डकवर्थ लुईस का अगर इसका सिस्टम नहीं बना होगा तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं बहुत आसानी से डिवाइस कर दूंगा फॉर्मूला। सर एक चीज और समझ में नहीं आ रहा कि चार चरण के जब तक चुनाव होने थे केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एकाएक राहुल बाबा जो बंगाल में चुनाव प्रचार भी नहीं करते हैं, एक दिन जाते हैं बिल्कुल एक खाली कुर्सी पर कुछ बोल करके चले आते हैं और उसके बाद से बवाल मचने लगे। ये चिन्ह चार राज्यों के चुनाव होने के बाद बंगाल में जब बाकी के चरण के चुनाव बचे हुए तब हाय तौबा क्यों? इन चार दिनों में क्या बदल गया कि जब केरल में चुनाव था तो सब कुछ ठीक था, मतलब बंगाल में तो अभी दिख नहीं रहा है कोरोना का वो मामला तो महाराष्ट्र में ज्यादा है, महाराष्ट्र में तो वसूली सरकार अपना झाल बजा रही है, इसे किस रूप में देखा जाए सर? ये वही वाली बात है क्या जिसको कहते हैं ढोंग पाखंड ढकोसला, जो इन लोगों का आज तक चलता आया पिछले 70 साल से, उसी को आगे कह के साहब बंगाल में साहब बड़ा जुल्म हो रहा है। हालांकि जिस समय बात हुई थी उस समय मैंने पूरे खास 2-3 दिन पहले मैंने सारे आंकड़े हाईलाइट किए थे और बताया था कि साहब कि जहां कुंभ हो रहा है वहां है 935 पर डे, और जहां चुनाव हो रहे हैं बंगाल में वहां है 3,000 पर डे, और जहां वर्ल्ड का बेस्ट सीएम है वहां है 60,000 पर डे, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य वहां भी 12-15 हजार पर डे, अब तो दिल्ली जो आप टेरिटोरियली तो सबसे छोटा वहां 25,000 पर डे पहुंच गए, लेकिन चुनाव तो बंगाल में नहीं होने चाहिए। अभी यही चुनाव हो रहे होते दिल्ली में तो सब कहते कि नहीं 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 दिल्ली में चुनाव क्यों भंग किए जाएंगे, चुनाव तो लोकतंत्र की आत्मा है, यदि आप चुनाव दिल्ली में किसी प्रकार से आप इसको स्थगित कर देते हैं तो आत्मा का ही हनन हो जाएगा, लोकतंत्र तो मर जाएगा, और लोकतंत्र मर जाएगा तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अब जो इनके ढकोसले पाखंड जो हैं, ये जो इनकी प्रवंचना है वो अब चलती नहीं है, समस्या ये है, तो इसलिए और इनको दुख होता है। नहीं तो आप देखिए ना हमारा वायर द लायर और क्विंट द स्क्विंट और क्या है दूसरा आपका वो एक ट्रॉल द स्क्रॉल, ये सब के सब जो है बीच में, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वायर जो था वो कह रहा था कि भाई बंगाल में जो है वो भाजपा दिखाई पड़ रही है। मैंने कहा यदि बंगाल में भाजपा दिखाई पड़ रही है और ये वायर कह रहा है तो इसका मतलब तो भाई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, और फिर उसके बाद दीदी ने भयंकर मूर्खता में नंदीग्राम से चुनाव लड़के सबको बता ही दिया कि अब वो स्वयं चुनाव हार रही है, तो जब उसके कार्यकर्ताओं में उसका ही इतना इम्पैक्ट पड़ गया तो कार्यकर्ता तो सब बैठ गए, खाली गुंडे बाकी बचे हैं। वो गुंडे भी आजकल जो है उनकी और समस्या हो गई, वो गुंडे भी जो हैं वो आजकल दिहाड़ी ले लेके काम कर रहे हैं, वो उनको जो है वो भविष्य का इतना वो आत्मविश्वास नहीं रहा, तो वो कहते पहले पैसा फिर काम। तो आजकल जो गोली भी चलाते हैं, जैसे भी मालदा में किसी के ऊपर गोली भी चला दी तो वो गोली के लिए एडवांस पैसे लिए गए, ऐसा मेरा अनुमान है। पहले तो ये था कि भाई क्लब है पैसा आता रहेगा, हम शासन का अंग हैं तो ये शासन आएगा तो हम इस शासन को उसी तरह से जो हम करते थे। एक एक आप तो रिपोर्टर रहे हैं, आपने बंगाल में देखा होगा पिछले 10 वर्षों में कि जो सिस्टम है वहाँ का वो अकल्पनीय है हम लोगों के लिए, जो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं या यहाँ तक कि जो बिहार में भी बैठे हैं उनके लिए वो अकल्पनीय है। हर मोहल्ले का हर व्यक्ति जो है उसको उस क्लब का सदस्य बनना पड़ेगा जो आपकी रूलिंग पार्टी चला रही है उस क्षेत्र में, यदि आप उसके सदस्य नहीं बनते हैं तो तुरंत आप संदेह की दृष्टि में आ जाते हैं, और उसके बाद उस क्लब से ही आपको जो है निर्देश मिलते हैं कि आपको कहाँ वोट डालना है।
अब लोगों ने जब विद्रोह कर दिया, और विद्रोह किया भी इसलिए कि जब इन्होंने 2000, ये तो लगभग सभी एकमत है, यहाँ तक कि जो बिकाऊ मीडिया है हमारा बाजारू मीडिया, वो भी इस बात पर सहमत है कि बीजेपी को एंट्री तब मिली जब 2018 में इन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस को वहां आपने पर बात, नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करने दिए। जब वो नहीं करने दिए तो वो सब फिर खिसक के इधर आ गए, क्योंकि इनको दिखा कि साहब की बीजेपी में लड़ाई करने का दम है। तो वही वाली बात है कि साहब की बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो सर बाजारू आपसे मीडिया की तो यही स्थिति है, इसकी तो नियति जो है वो तय है, इसको तो जूते भी खाने हैं और बाद में प्याज भी खाना है। तो इसलिए हमें इसके साथ कोई सहानुभूति रखने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये जूते और प्याज खाने वाली जो ये बाजारू टीम है, जो अपने कभी स्टूडियो में सिर्फ वो कहते हैं ना ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा ही नहीं करते थे, ये तो बहुत बड़े छोटे लेवल पे पुलिस में तो हम देखा करते थे बतौर क्राइम रिपोर्टर और रोड रिपोर्टर, ये सब बहुत नजदीक से देखा है। सत्ता और सरकार तय होती है, राडिया टेप ने बहुत कुछ बताया है। सभी तो एक सवाल पूछ रहे हैं कि, और बहुत वाजिब सी बात है कि क्या सचमुच ये जो टेप वाला मामला है, आपको याद होगा गुजरात में ये किस तरह की बातें नरेंद्र मोदी के लिए करते थे, जब कोई तथ्य कोई सबूत नहीं है, फिर भी एक मामला वो सुप्रीम कोर्ट में फिर लाने का प्रयास किया जा रहा है, गुजरात वाले मामले को चैलेंज करने का। ये ऑडियो टेप इतना गंभीर आरोप मामला है सर, जिसमें साफ है और इंकार भी नहीं कर रही है ममता बनर्जी कि हाँ ये उसकी आवाज नहीं है, वो कह रही कि मेरा टेप हो रहा है, मेरी टेपिंग हो रही है। इतना गंभीर मामला मीडिया से गायब है, आपको लगता है कि चुनाव के बाद इन पर एक गंभीर धारा, मुझे तो लगता है क्या यूएपीए की तरह मामला नहीं बनता है क्या इन पर, क्योंकि वो खुद सीधे कहती हैं सीआईएसएफ को घेर लो, सीआरपीएफ को घेर लो, और ना सिर्फ वो बोलती हैं, अगले दिन अमल होता है, फिर जब गोली चलती है 5 लोगों की मौत होती है, हल्ला तो 4 लोगों के लिए ही होता है, एक की तो चर्चा ही नहीं होती, जिसके बारे में अमित शाह कह रहे हैं कि उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है, 4 लोगों की मौत हो जाती है। उससे पहले का जो सरकम स्टांस है, जिसमें दीदी ये कहती है कि घेर लो, सब कुछ होता है, मौत भी हो जाती है, उसके बाद लाश से खेलने की भी बात होती है, इतना गंभीर मामला मीडिया की चुप्पी से क्या एफआईआर नहीं होगा, ममता बनर्जी को कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा क्या? नहीं, अब जो कुछ भी होगा तो वो अब ममता जी की पुलिस तो करेगी नहीं। आपको पता है कि पुलिस जो है वो इस देश में एक तरह से सत्ताधारियों की रखेल बन के रह गई है, जिसमें सत्ताधारियों का दोष जितना होगा उतना होगा, उससे अधिक तो हमारे अधिकारियों का भी दोष है। तो मैं तो देख रहा हूँ ना 35 साल ब्यूरोक्रेसी में रह के, कि यदि सत्ताधारी एक्सपेक्ट करता है कि आप ए आउटपुट दें उनके पक्ष में, तो 10A और 100A आउटपुट देने के लिए लोग तैयार बैठे हुए। वही वाली बात जो सरकारिया कमीशन ने कही थी इमरजेंसी के बाद, कि व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड दे क्रॉल्ड। तो इस तरह का चरित्र है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। तो इसमें आप सिर्फ ममता को ब्लेम करें, ये भी मुझे लगता है कि पूरे तंत्र के प्रति अन्याय होगा। ये संभव तभी है जब पूरा का पूरा तंत्र सिर्फ और सिर्फ अपना या तो करियर देख रहा है, या करियर से जो प्रतिफल मिलते हैं वो देख रहा है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये एक चारित्रिक कमजोरी तो हम कई शताब्दियों से देख रहे हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया तो हमारी सेनाओं को उपयोग करके किया। अंग्रेजों ने 1857 में भारतीय क्रांति को दबाया तो हमारे ही बहुत सारे राजा थे जो उनके साथ में खड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें तो एक तरह से हमारी चारित्रिक विशेषताओं का एक अंग बन गई है, जिसके ऊपर हमें विचार करना आवश्यक है कि किस तरह से इन चारित्रिक कमजोरियों को दूर किया जा सके। चलिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना भी तभी जाएगा जब दीदी जाएगी। सर वो तो निश्चित है, कोरोना और दीदी का तो चोली दामन का साथ हो गया। दामन का साथ हो गया ऐसा लोग कह रहे जैसे हैं, ही 29 तारीख के बाद आप सुनेंगे ही नहीं कोरोना की बात।
कोरोना की बात सुनेंगे नहीं। बंगाल में कोरोना की बात नहीं सुनी जाएगी, उसके बाद फिर सारा का सारा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पे चला जाएगा और मध्य प्रदेश पे चला जाएगा। दिल्ली में कोरोना नहीं देखा जाएगा, ना दिल्ली में होगा, ना महाराष्ट्र में होगा, ना छत्तीसगढ़ में होगा, फिर सारा का सारा ना राजस्थान में होगा, सारा का सारा कोरोना फिर आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। ये सारे गिद्ध जो हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जाके बैठ जाएंगे। सर आज एक रिटायर्ड आईआईटी इंजीनियर खड़गपुर से मेरे पास फोन आया आज दोपहर में, और उन्होंने एक बहुत बारीक बात बताने की कोशिश कर रहे थे वो, कि कई बार पहले लगता था कि पढ़ लिख लेने से उनकी बौद्धिक समझ ज्यादा होती है। और मुझे वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको मैं रेगुलर देखता हूँ, मगर किसी कभी किसी आईआईटीएन या कोई आईएएस है तो आप ये मत समझिएगा कि यदि ये है तो इनका बौद्धिक लेवल वही है। वो समझने इसको मैं बंगाल के रूप में समझने के लिए, बंगाल ने देश को क्रांति दी है, बंगाल में हमेशा इस देश को बदल देने का नेतृत्व मिला है, फिर इस बंगाल में ऐसा क्या है सर कि यहाँ सबसे ज्यादा हिंसा होती है, चुनाव को लेकर कितना पागलपन क्यों है? वो खुद कह रहे थे कि मेरे आईआईटीएन इंजीनियर जो है, मेरे कई प्रोफेसर साथी, वो अभी कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी के लिए दीवाने थे, और वो एक बात कह रहे थे कि आज वो चुप्पी लगाए हुए हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। इस इन सब चीजों को कैसे देखा जाए, इन बौद्धिक समाजों को जिन्हें पढ़ा लिखा कहा जाता है, चाहे वो पत्रकार हो, सो कॉल्ड ये सिविल सर्विस किए हुए जो देश को चलाने वाले, सिस्टम चलाने वाले लोग हों, तकनीकी रूप से जो देश के गौरव होते हैं वो हों, इन लोगों की समझ बूझ को लेकर के आप क्या कहेंगे जब बंगाल जैसे प्रांत में ऐसे सोचते हैं? देखिए, सबसे पहला जो अंग्रेजीकरण हुआ है भारत में वो बंगाल का हुआ है, और यदि आप ये देखें कि जब बात चल रही थी भारत में नई एजुकेशन सिस्टम को लाने की, नई शिक्षा प्रणाली को लाने की, तो अंग्रेज जो थे वो संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उसका विरोध भी बंगाल से ही हुआ था। और राजा राममोहन राय का वो बहुत प्रसिद्ध पत्र है जो उन्होंने लिखा था, और उन्होंने कहा था कि साहब की अंग्रेजी जो है वो विज्ञान की भाषा है, साइंस की भाषा है, हमें अंग्रेजी चाहिए, हमको संस्कृत नहीं चाहिए, तरह तरह की बातें। तो जो मेंटल कॉलोनाइजेशन हुआ है सबसे पहले भारत में, जिसको हम दिमागी गुलामी बोलते हैं, वो सबसे पहले बंगाल में ही हुई थी। हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि जो सबसे पहली क्रांति और सफल क्रांति जो हुई है वो भी बंगाल में ही हुई थी, और उस क्रांति को लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बात सारा इतिहास जो लिखा गया और जो महिमा मंडन हुआ वो इस प्रकार के कार्यों का हुआ जिनका नहीं होना चाहिए था। वस्तुतः जो असली क्रांति, जो क्रांतिकारियों ने एक क्रांति करके और अंग्रेजों को पूरे उनके जो 200 वर्ष का इतिहास है उसमें केवल एक समय ऐसा है जब अंग्रेजों को अपना कृत्य वापस करना पड़ा, और वो था बंगाल का विभाजन। और वो बंगाल का विभाजन 1905 में जो किया गया था उसमें भी उन्होंने हिंदू मुसलमान करके किया था, क्योंकि जो मुसलमान लोग थे, खासतौर से ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, जो उस विभाजन के पक्षधर थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो पूरा असम ले गए ईस्ट बंगाल में, पूरा का पूरा वो क्षेत्र जो था वो ईस्ट बंगाल में चला गया, और इधर का जो क्षेत्र बचा उस समय, जो पूरा जो बंगाल हुआ करता था, लोगों को ध्यान हो कि वो पूरे बंगाल में बिहार और उड़ीसा और जो आज का बांग्लादेश है ये पूरा बंगाल था। इसलिए जब कभी लोग कहते हैं ना कि वो बहिर्गतो बहिर्गतो, हमारी ममता दीदी बोलती रहती हैं बहिर्गतो, तो वो सब बहिर्गतो को पूछना चाहिए भी आपका कट ऑफ पॉइंट क्या है बहिर्गतो का, क्योंकि जो मूल बंगाल प्रेसिडेंसी है उसमें तो ये सारे क्षेत्र सम्मिलित थे, आज का जो ईस्ट बांग्लादेश है वो सम्मिलित था, आज का उड़ीसा है वो भी सम्मिलित था, आज का जो पूरा बिहार और झारखंड है ये भी था, ये सब बंगाल था। तो ये तो बाद में इसके अलग 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 खंड हुए हैं। तो 1905 का जो बंगाल का विभाजन, जिसका इनको अविखंडन हुआ है यानी वापस लिया गया है, वो एक न केवल स्वदेशी मूवमेंट था बल्कि एक सशस्त्र क्रांति भी थी उसके अंदर। तो जो अनुशीलन समिति इत्यादि जो थी, आपके श्री अरविंदो इत्यादि, और बहुत मैं कहूँ बहुत ही महिमामय एक इतिहास है, वो बंगाल में हुआ था
लेकिन बाद में फिर जिस प्रकार का जो एक तरह से जिसको कहते हैं हम एक कायरता को वीरता बनाने का एक क्रम चला 1919 के बाद में, उसमें वो पीछे रह गया। और स्वतंत्रता के बाद बंगाल ने अपने उस गौरवशाली इतिहास को अंगीकार ना करके, और जो बाद में उनको जो लेफ्टिस्टों ने पढ़ाया, उस लेफ्टिस्टों को पकड़ के उन्होंने अपने आप को ऐसा एक मानसिक गुलाम बना लिया कि जिसमें हमारे देश की जो मूल विचारधारा है उसका कोई स्थान ही नहीं रहा। वो या तो अंग्रेजों की मानसिक गुलामी और या फिर कम्युनिस्टों की मानसिक गुलामी, बस इन दो गुलामियों के बीच में ये आपका बंगाल जूझता रहा। फिर उससे निकलने के लिए जब उन्होंने ममता दीदी को लाए, वो लगभग 50 साल की इस मानसिक गुलामी के बाद, तो वो तो पूरी तरह से एक नृशंस, जिसको कह सकते हैं कि एक अत्याचारी शासक बन गई, वो तो उनसे भी आगे निकल गई। तो ये एक त्रासदी है बंगाल की कि जो अपने इतिहास के जो गौरवशाली अध्याय हैं उनसे सीखने के बजाय उन्होंने ऐसे अध्याय पकड़ लिए जो किसी भी प्रकार गौरवशाली नहीं कहे जा सकते। सर, एक सवाल मैं आपके साथ लेने के बाद कुछ लोगों के सब कुछ सवाल दर्शकों के ले लूं। साथ साथ मैं ये बता दूं कि संजय दीक्षित सर का जो जयपुर डायलॉग है उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पे आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं इनके साथ गेस्ट के रूप में। तो आप जो राष्ट्रवादी सोच वाले लोग हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो इन तंग आ चुके हैं खैराती मीडिया से, इन लुटियन खिलंदरों से, तो आप वहां पर भी जाएं। बहुत सारे लोग तो कॉमन है जो बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि आप संजय दीक्षित सर को भी लाइए, तो आज वो हमारे साथ हैं। लेकिन आप सबसे मैं कहूंगा कि सर के जो लोग कॉमन नहीं है वो वहां पे भी जा करके जयपुर डायलॉग को सब्सक्राइब करें चैनल को, और वहां पे लाभ लें संजय सर के अनुभवों का। सर, एक चीज जो बहुत बवाल मचा हुआ है, लगातार जमकर बवाल मचा हुआ है, लगातार सवाल कर रहे हैं ये खैराती गिरोह के लोग, कुछ जिहादन मीडिया की सदस्य, कि मंदिर ही मांगा तो था हमने, तो मंदिर मिल गया, अस्पताल तो मांगा नहीं था। ऐसा लग रहा है कि इस देश में 2014 के पास डेग डेग पर हमारे पास अस्पताल था, और वो तमाम मंदिर जो है बन गए। अयोध्या में एक मंदिर, उसमें भी सरकार ने क्या बनाया, हम सब ने मिलकर के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो अपने सामर्थ्य के मुताबिक हमने श्रद्धा भाव से समर्पित किया है भगवान के चरणों में, उस हिसाब से अयोध्या में राम बनेगा, राम मंदिर बनेगा। सरकार की तो इसमें कोई भूमिका है नहीं। फिर ये कैसा षड्यंत्र है भारत के खिलाफ सर, कि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार आने के लिए हमने मंदिर के लिए सरकार चाहा था, और कौन सा मंदिर हमारा बन गया? कोई भी मंदिर तो हमारा बना नहीं अब तक। ये क्या षड्यंत्र है सर, इसे कैसे देखा जाए इसे? जी, तो षड्यंत्र उन लोगों का है जो कभी खुद स्वयं कभी किसी अस्पताल के लिए कभी नहीं लड़े, या तो वो देश के विरुद्ध लड़ते रहे, या फिर कभी पंजाब को अलग करने के लिए लड़ते रहे, कभी कश्मीर को अलग करने के लिए लड़ते रहे, कभी औरंगजेब और खिलजी और टीपू का मान बढ़ाने के लिए लड़ते रहे। ये तो वो लोग हैं। कभी वो जो कमीशन खोर सरकारें हैं उनके कमीशन में हिस्सा लेने के लिए उनके साथ खड़े रहे। तो इन लोगों के कहने का कोई किसी भी प्रकार की ना तो कोई प्रासंगिकता है और ना कोई विश्वसनीयता है। तो इसलिए इट शुड बी ट्रीटेड विद द कंटेम्प्ट दैट इट डिजर्व्स। ऋषि कोचर जी पूछ रहे हैं कि ये लेफ्ट इज मोस्टली फर्सिस्ट इन बंगाल और साउथ। ना, ऐसा ऐसा आपको लगता है कि ये बंगाल और साउथ में लेफ्ट जो है, आप लेफ्ट को सिर्फ पॉलिटिकली मत देखिए, क्योंकि पॉलिटिकली देखने से फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप तो इसको केवल पॉलिटिकली देखेंगे तो वो आपको करेक्ट पिक्चर नहीं देगा। आप ये देखिए कि लेफ्ट जो है वो अंततः एक विचारधारा है,
और वो विचारधारा जो है वो एक विभाजनकारी विचारधारा है। मतलब उसमें सदैव, जैसे आप देखते हैं कि एक पूंजीवादी होगा और उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ एक सर्वहारा होगा, उनका विरोध आवश्यक है। आप यदि भारतीय समाज में, पुराने भारतीय समाज में जाएंगे तो वहां पर एक समावेशी संस्कृति है। वहां पर यदि उसमें वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन किया गया तो वहां कहीं विरोध नहीं दिखाई पड़ता। ये विरोध तो आजकल इन लोगों ने आके बता दिया कि नहीं, अगर ये चार थे तो चारों आपस में विरोधी ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट की विचारधारा है कि कोई भी जो चीज है या कोई भी विकास है या कोई भी विषय है वो ऑपोजिट्स में ही हो सकता है। बाइनरी लॉजिक जिसको बोलते हैं वो बाइनरी में ही हो सकता है। जैसे आपके, मैं कहता हूँ ना कि ये जो मसीही विचारधाराएं हैं वो केवल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, कम्युनिज्म भी एक मसीही विचारधारा है जिसमें गॉड नहीं है। उसमें गॉड जो है, उसमें किताब है, उसमें दास कैपिटल नाम की किताब है, उसमें प्रॉफिट भी है, एक मार्क्स नाम का प्रॉफिट भी है, और उसके अलावा उसके सब प्रॉफिट्स भी हैं जिसमें लेनिन भी है, माओ भी है उसके। तो उसके पास लॉजिक वही है कि जो किताब में लिख दिया गया, जो प्रॉफिट्स ने कह दिया और जो आजकल के मॉडर्न प्रॉफिट्स हैं उन्होंने कह दिया, वही सही है। आप उसको ऑब्जेक्टिविटी पे, या आप उसको प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं, जो हमारी परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सर्वोच्च होता है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यदि हमने कह दिया कि साहब कि ये बुर्जुआ है तो वो बुर्जुआ है, खत्म हुई बात। और वो वर्ग संघर्ष में उसकी हत्या करना हमारे लिए एक पुण्य कर्म है तो है, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। ये प्राचीन भारत का समाज नहीं है जो हर छोटी छोटी बात पे भी बहस करने में, जिसको किसी प्रकार का कोई किसी भी प्रकार की बहस करने में जिसको कहीं संकोच नहीं होता था। यहाँ बहस का कोई स्थान नहीं है, ये बाइनरी लॉजिक है। बाइनरी लॉजिक मैंने अपने कई लेखों में और उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि वो रिलीजन्स में होता है, जैसे इस्लाम में है कि अगर गॉड है तो साथ में शैतान जरूर होगा, अल्लाह है तो शैतान होगा, गॉड है तो सेटन होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ की तरह कि क्या एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, ऐसा नहीं हो सकता कि वह एक है और उसके ही अलग अलग सब रूप हैं, ऐसा इनमें नहीं हो सकता। वहाँ अलग ही अलग हैं और दोनों में लड़ाई आवश्यक है। और उसमें जो हमारा साथ देगा वो तो परमानेंट हेवन में जाएगा, जो नहीं देगा वो परमानेंट हेल में जाएगा। यही चीज लेफ्ट के साथ है और इसके मैनिफेस्टेशंस अब बहुत सारे रूप में आ गए हैं। सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, पॉलिटिकल कम्युनिज्म तो खत्म हो चुका है, अब तो उसके अलग अलग रूप आ गए हैं। कहीं वो कल्चरल मार्क्सिज्म के रूप में आता है, कहीं वो पोस्ट मॉडर्निज्म के रूप में आता है, कहीं वो रेडिकलिज्म के रूप में आता है। आप देख लीजिए ना, अमेरिका तो सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री कहा जाता है। मेरा ये मानना है कि लेफ्ट इस समय, लेफ्ट का जो सबसे सुदृढ़ आधार है वो आजकल अमेरिका के कैंपसेस में है। तो आप सिर्फ इसको साउथ में या बंगाल में खोजे, इसको और जगहों पर भी देखें। इसीलिए बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि लेफ्ट पर जो है आपको सुनते रहता हूं आपके चैनल पे, और बहुत प्रशंसक आपके यहाँ आए हैं वो आपके लेफ्ट के जो पे जो आप जो विश्लेषण करते हैं। इसीलिए ऋषि कोचर जी पूछ रहे हैं कि क्या सर मॉडर्न शैतान जो है वो लेफ्ट ही है क्या आज के युग में? शैतान की व्याख्या इस्लाम में बहुत बेहतर तरीके से है, हर मजहब में है। वो कह रहे हैं क्या मॉडर्न जो शैतान है जो हमारे इर्द गिर्द वो घूमता हुआ दिख रहा है वो लेफ्ट ही है क्या? भाई, यदि आप मसीही धर्मों के अनुयायी हैं तब तो आप उसको शैतान का रूप ले लें, लेकिन मैं मसीही धर्मों को तो कोई, जिसको कहते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि ये फ्रेमवर्क ही अलग अलग है। एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण वाला और एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क है, और ये जो फ्रेमवर्क है मसीही धर्मों का, लेफ्ट का,
ये पूरा का पूरा एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें आपको जिसको कह सकते हैं, जिसको कहते हैं ना डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, तो ये है डिक्टेटरशिप ऑफ द इंटेलेक्ट, और उसमें भी डिक्टेटरशिप ऑफ द डिस्टॉर्टेड इंटेलेक्ट। तो मैं ये कहूँगा कि ये शैतान भगवान से ऊपर उठिए और हमारे ब्रह्म तत्व वाले ज्ञान में आइए। बहुत शानदार सर, मगर एक सवाल आखिरी ले लेता हूं, क्योंकि बहुत लोग बेचैन हैं कि वो कुछ राष्ट्रवादी चैनल वो देख रहे थे अभी कुछ दिनों तक और फैन थे उसके, तो मैं करीब दसियों सवाल देख रहा हूं उन लोगों के जो कह रहे हैं कि उन चैनलों पे केजरीवाल को देख करके परेशान हूं और वो चैनल दिल्ली के मुद्दे को नहीं उठाते हैं। अब इन सबको कैसे समझाया जाए? मैं तो लगातार पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से मुहिम चला रहा हूं कि आप टेलीविजन देखना बंद कर दीजिए। अब ये लगातार जो बहुत ज्यादा सिंपैथाइज हो गए थे, बहुत प्रेरित हो गए थे सो कॉल राष्ट्रवादी चैनलों से, अब उनसे इन्हें परेशानी हो गई है। बड़े पैमाने पे लोग पूछ रहे हैं कि उन चैनलों को जिन्हें पसंद करता था वहां दिन रात केजरीवाल दिखता है और केजरीवाल और दिल्ली की परेशानी पर, दिल्ली में कोरोना पे कोई खबर वो चैनल भी नहीं दिखा रहा। मैं नाम नहीं ले रहा चैनल का, आप समझ रहे होंगे किन चैनलों की बात हो रही है। वैसे आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं भी टेलीविजन बहुत कम देखता हूँ क्योंकि टेलीविजन में सारा का सारा जो कार्यक्रम है उनका वो पूरी तरह है टीआरपी आधारित है, और टीआरपी आधारित वो टीआरपी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है एक चैनल जो है वो तो उसकी तो सारी की सारी जो ग्रोथ है वही सांप बिच्छुओं से हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। जो सांप बिच्छू वाले और जो सांप बिच्छू वाले जो एडिटर थे वो उनकी जो श्रीमती जी हैं वो सुसु पत्रकारिता कर रही है सर, उसकी पत्नी जो एडिटर था जिसे मैं सांप सुसुंदरवाज कहता हूँ, उसकी पत्नी आज के डेट में सुसु पत्रकारिता कर रही है। आपने देखा होगा कि ममता उस प्रक्रिया के लिए कितनी बेचैन थी वो पीके के साथ, तो ये स्टैंडर्ड रहा है। एक और चीज मैं आपसे साझा कर रहा हूँ सर, आपको अच्छा लगेगा, मेरे एक संपादक हुआ करते थे, आज वो सड़क छाप बंगाल में घूम रहे हैं, वो कहा करते थे कि मनीष ठाकुर टीवी में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रभाष जोशी मत करो, प्रभाष जोशी हिंदी पत्रकारिता के बड़े नाम रहे, आप जानते होंगे उनको, और वो कहा करता था कि प्रभाष जोशी मत बनो, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। आज मुझे हमेशा मेरा वो संपादक याद आता है, और जब इन लोगों को देखता हूँ, ये शुशु पत्रकारिता, ये सनसनीबाजी की पत्रकारिता, ये ऐसे ऐसे लोग, और अब इनके चेले इस पे स्थापित हो चुके हुए हैं, इसीलिए इन लोगों से मैं अक्सर कहता हूं कि बंद कर दीजिए देखना, इसलिए नहीं कि आप यूट्यूब पे आ जाइए, आप खुद ब खुद आप तय करेंगे कहां जाना है, मगर इन सबकी बेचैनी पिछले कुछ दिनों में, दरअसल ये सब के सब जो हैं, जो बेचारे दुखी लोग हैं वो कुछ राष्ट्रवादी से प्रभावित हो गए थे टीवी चैनलों पर, जैसा आप अभी कह रहे हैं कि टीवी पर उनकी भी एक परेशानी है कि उन्हें टीआरपी चाहिए, उन्हें एडवर्टीजमेंट चाहिए। दरअसल सर वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिन रात केजरीवाल के एड के कारण क्या उन्हें दिल्ली की परेशानी नहीं देखने को मिल रहा है। हम लोग ने शुरू वहीं से की थी, आप इसे फिनिश कर दे तब हम आज का विश्लेषण खत्म करें। ये परेशानी इसे किस रूप में आप अपने शब्द में बोल दें, क्योंकि ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए भाई, जो चरित्र वेश्या का होता है वही चरित्र इस तरह के मीडिया का भी होता है। वो जो अपने कस्टमर की डिमांड के लिए, वो कस्टमर यदि पैसा ठीक ठाक देता है तो वो कस्टमर की डिमांड के लिए कुछ भी करेगी। बहुत सारी पुरानी फिल्में देखा होगा आपने कि भाई कोठे पे जाता था, उसका दिल आ गया वेश्या पे, लेकिन वेश्या का तो नहीं आया, उसको तो अपने जो दूसरा क्लाइंट आ गया बड़े पैसे वाला उसके साथ चलेगी। तो जिनका चरित्र आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस तरह के चरित्र के साथ रहना चाहते हैं, विश्वसनीयता वाला या वेश्या वाला। वैसे लेफ्ट तो यही कहेगा कि ये भी एक ऑनरेबल जॉब है, तो ठीक है, तो मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन चरित्र तो है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बारीक व्याख्या की, और बहुत लोग जो है लेफ्ट पे आपके अनुभवों को कहते हैं कि मैं सुनता हूँ, तो लगातार जो है हम संजय सर के अनुभवों से
का फायदा लेंगे, और आप सब में से भी ज्यादातर लोग जो हैं वो जरूर जयपुर डायलॉग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वहां डायरेक्ट आपको मिले, और जब कभी भी समय मिलेगा हम एक दूसरे के चैनल पे आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऋषि कोचर जी एक बार फूट के सुन, वी विल स्टार्ट leftist.com एंड टू एक्सप्लेन सबस्टेंशियल इवाइल ऑफ द लेफ्ट काइंडली हेल्प सबस्टेंशियल इवाइल्स ऑफ द लेफ्ट ऑफ कोर्स। जैसा मनीष जी ने कहा, हमारे यहाँ तो लेफ्ट पे जितने एपिसोड्स हैं वो पता नहीं और किसी पे होंगे कि नहीं होंगे। वी आर रादर फॉन्ड ऑफ द लेफ्ट। चलिए इसका फायदा उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से अलग अलग विषय पे मैं चाहूंगा कि आपके अनुभवों को मैं अपने व्यूअर्स तक साझा कर सकूं। बहुत धन्यवाद आने के लिए सर। बहुत आभार। प्रणाम। धन्यवाद।